jungle of love. आज यहाँ पर हमारे पास एक बजट फ्रेंडली सर्कुलर डिस्प्ले की ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है नॉइस ब्रांड की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुई है, दैट इज नॉइस विद ट्विस्ट स्मार्ट वॉच। इसका प्राइसिंग है 2000 रुपीज, जो कि इसका लॉन्च प्राइस है। प्राइसिंग बढ़कर 2500 रुपीज के आसपास हो जाएंगे। और यहां पर आपको मिलने वाला है सर्कुलर 1.38 इंच का TFT डिस्प्ले, साथ ही में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर। इसमें आपको काफी इंप्रेसिव फीचर्स मिलने वाले हैं। मैंने इसको पर्सनली अच्छे से यूज किया हुआ है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, एक एक टेस्टिंग दिखाऊंगा इस वीडियो में, ताकि एंड तक पहुंचते सब देखने के बाद फाइनली आप डिसाइड कर पाए कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। So let's get started. So यहाँ पे आपको Noise Fit Twist स्मार्ट वॉच का ऐसे बढ़िया सा बॉक्स मिलेगा, और ये डिजाइन इन इंडिया स्मार्ट वॉच है। एंड बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल ब्रांड की तरफ से स्टिकर्स, और साथ ही में एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी जिसकी लेंथ यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया मिलने वाली है। इसको लेके मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लगी। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो 22mm के आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं। क्वालिटी अच्छी मेंटेन की गई है, इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं, नए स्ट्रैप्स लगा सकते हैं, प्रॉपर हिंजेस मिल जाएंगे। बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स, बिल्ट इन स्पीकर, माइक्रोफोन, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे। 2 ऐसे आपको यहाँ पे मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं। पूरी आपको पॉलीकार्बोनेट बिल मिलने वाली स्मार्ट वॉच की, काफी अच्छा लुक एंड फील, लाइट वेट स्मार्ट वॉच है। मेनली आपको बड़ा स्ट्रैप चाहिए, राउंड डिस्प्ले चाहिए, लुक एंड फील आपको यहाँ पे डिसेंट चाहिए, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर चाहिए, इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। अच्छी इंप्रेसिव स्मार्ट वॉच है यहाँ पे। एंड फ्रंट में आपको 1.38 इंच का TFT LCD डिस्प्ले मिलने वाला है 500 nits ब्राइटनेस के साथ। व्यूइंग एंगल्स काफी आपको यहाँ पे इंप्रेसिव मिलने वाले हैं, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड UI की स्मूथनेस की बात करेंगे, मैंने इसको अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है, काफी आपको अच्छा स्मूथ UI मिल जाएगा, इसको लेकर मुझे पर्टिकुलरली दिक्कत नहीं लगी। आप आराम से सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही में जो साइड में बटन दिए गए, जो नीचे वाला बटन है, इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट दिया गया है वर्कआउट एक्टिविटीज का। इसमें आपको बिल्ट इन 10 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दी गई है, एप्लीकेशन पार्ट से आप 100+ स्पोर्ट्स मोड्स एक्टिवेट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करेंगे, हम कुछ स्टेप्स चल के देखेंगे यहाँ पे, हम फिर हम चेक करेंगे कितनी आपको एक्यूरेसी मिलने वाली स्मार्ट वॉच के थ्रू। और लगभग घूम फिर के मैं अप्रॉक्सीमेटली 44 स्टेप्स चल के आया हूँ, स्मार्ट वॉच में दिखा रहा है 42 स्टेप्स। हल्की फुल्की कभी ना कभी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। और साथ ही में जो ऊपर वाला बटन है, इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे, जितनी भी आपके एप्लीकेशन है स्मार्ट वॉच की, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। ये बटन शॉर्टकट दिया गया है उसका, इसी को सिंगल प्रेस करेंगे, ये बैक साइड पे आपको लेके जाएगा। एंड स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको मिलने वाला है नोटिफिकेशन के शॉर्टकट, यहाँ पे आप पूरा मैसेज रीड कर सकते हैं, स्क्रॉल करके फुल मैसेज रीड कर पाएंगे। फॉन्ट भी आपको सही मिलने वाला है। हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दिए, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू। स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है साइलेंट मोड करने का, टैप टैप करके आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ब्राइटनेस। आउटर कंडीशन में ब्राइटनेस बिल्कुल फुल है, और जो स्क्रीन की जो फ्लिकरिंग है वो कैमरा के थ्रू फ्लिकरिंग है, आपको स्मार्ट वॉच में ऐसा कोई फ्लिकरिंग नहीं मिलने वाली है। और आउटर कंडीशन में आपको अच्छी ब्राइटनेस मिल जाएगी, बहुत ज्यादा परफेक्ट भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको आउटर कंडीशन में यूज करने में। साथ ही में आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, बैटरी सेविंग का ऑप्शन, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन, रिंगटोन वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे साइलेंट मोड कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को, वाइब्रेशन इंटेंसिटी आपको कैसी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए कि सॉफ्ट चाहिए, वाइब्रेशन अलर्ट्स सेट कर पाएंगे यहाँ से। एंड जो रिस्ट वेक का ऑप्शन है, जो रिस्ट वेक फीचर, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको कब एक्टिवेट करना है, ऑफ करना है, तो यहाँ से आप कर पाएंगे। और जिसका रिस्ट वेक फीचर है बिल्कुल सही तरीके से रिस्पॉन्स करता है, फ्रैक्शन ऑफ बोल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा आपको डिले लग सकता है कभी कभी, लेकिन जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे टाइम देखने के लिए डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम दिया गया है मिनिमम 5 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड्स। इसमें आपको ऑलवेज ब्राइट का ऑप्शन भी दिया गया, अगर आप चाहते हैं तो जो वॉच फेस है उसको आप ऑलवेज ऑन रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी बैटरी काफी कंज्यूम होगी, ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको मिलने वाला है डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, मेन्यू व्यू में आपको मिल जाएगा यहाँ पे ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू, अपने हिसाब से इनको यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, अबाउट कॉल्स, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, QR कोड दिया गया एप्लीकेशन का, रिबूट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सब आपको चीजें मिलने वाली है सेटिंग्स पार्ट में। एंड अगर आप बैक पर जाके स्क्रीन पर जाके स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलेगा हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर का, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड्स आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ आपको शॉर्टकट्स दिए गए हैं, तो ये सब आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं अगर आप यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो। एंड जो ऊपर
बटन दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे सारी की सारी एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। नॉइस हेल्थ का ऑप्शन दिया गया है, एक्टिविटी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, सेंसर्स की एक्यूरेसी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर काफी आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है स्मार्ट वॉच में भी और इंस्ट्रूमेंट फिट में भी। कैजुअल रीडिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। और जो ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट है माइनट सी कहीं ना कहीं आपको हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। और इसमें आपको यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका स्ट्रेस नॉर्मल है कि ज्यादा है, इसको भी आप कैजुअली रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है नॉइज बस का ऑप्शन, जो कॉलिंग फीचर दिया गया है, प्रॉपर आपको डायल पैड मिलने वाला है, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे स्मार्ट वॉच के थ्रू। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लॉक में अलार्म सेट करने का ऑप्शन, टाइमर, स्टॉप वॉच, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन, इनको भी यूटिलाइज कर पाएंगे आप। और साथ ही में बैक साइड पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वर्कआउट्स का ऑप्शन, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, रिमाइंडर्स का ऑप्शन, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ से आप कनेक्शन स्टैब्लिश करके फोन का म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के थ्रू ही, जो स्पीकर की वॉल्यूम है इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्टफोन की स्मार्ट वॉच के थ्रू ही, सही तरीके से वर्क करता है। वेदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप प्रॉपर वेदर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्यू डेज का आपको वेदर फोरकास्ट भी दिखा देगा, इसको भी लेके मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड कैलकुलेटर का बिल्ट इन ऑप्शन मिलने वाला है, कुछ आपको बिल्ट इन वॉच फेसेस मिल जाएंगे, फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग्स में आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी क्या क्या मिलने वाला है। किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन भी दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्विक रिप्लाइज को भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। अब आप लीजिए ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट स्मार्ट वॉच के थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। अच्छा, अरे अभी मेरे पास ना नॉइस ब्रांड की तरफ से नॉइस फिट ट्विस्ट स्मार्ट वॉच अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, मैं उससे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज समय कैसे आ रही है? आवाज तो सही आ रही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो, लाउडनेस भी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत आ रही है डिस्टॉर्शन को लेके या फिर कुछ लेके? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा, मतलब कॉलिंग सही चल रही है एक तरीके से? ठीक है दीक्षा, थैंक यू, बाय। एंड कॉल के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को, स्पीकर की जो लाउडनेस उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉलिंग के टाइम पे ही। साथ ही में इसमें आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलने वाला है, आप हैवी एक्टिविटीज करते हैं स्वेट आता है, वाटर के स्प्लैशेस लगते हैं, डस्ट लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है स्मार्ट वॉच को। और यहाँ पर आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा सिंपल स्टेप से, जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे फ्रंट पेज में जितनी भी आपने एक्टिविटीज की हुई है सेंसर्स पार्ट को लेके प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे रीडिंग्स चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट में भी। एंड माई डिवाइस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा स्मार्ट वॉच की, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है अपडेट्स, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं, अनपेयर कर सकते हैं डिवाइस को। एंड वॉच फेसेस में आपको बहुत सारे बिल्ट इन क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलने वाले हैं अच्छी क्वालिटी के, जो भी आपको वॉच फेस पसंद आए यहाँ से आप एप्लीकेशन पार्ट से उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फोन में जो पिक्चर है स्टोर उसको आपको लगाना है, या कैमरा से पिक्चर लेके वॉच फेस को लगाना है, या जो फोन का कलर है कैसा आपको चाहिए, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी यहाँ पे। एंड नोटिफिकेशंस में आपको जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन है उसको आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं, एग्जैक्टली आपके जो फोन में एप्लीकेशंस है कौन से एप्लीकेशंस के आपको नोटिफिकेशंस चाहिए स्मार्ट वॉच पे, यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं उनको। और यहाँ पे SMS अलर्ट्स को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन, कुछ रिमाइंडर्स का ऑप्शन दिए गए यहाँ पे आपको। एंड साथ ही में जो कॉल अलर्ट्स हैं, आपको यहाँ पे कॉल अलर्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑन ऑफ कर पाएंगे यहाँ से। और इसमें आपको मिलने वाला है हेल्थ मॉनिटर में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, रैपिड आई मूवमेंट का ऑप्शन, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हैंड वॉश रिमाइंडर, आईलर अलर्ट्स, मल्टीपल यहाँ पे आपको अलर्ट्स भी मिलने वाले हैं। एंड अलार्म सेट करने का ऑप्शन, गूगल फिट का ऑप्शन, 10 डिफरेंट आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ से आप सेव कर पाएंगे। एंड क्विक रिप्लाइज में आपको 5 बिल्ट इन क्विक रिप्लाइज मिलने वाले, इनको आप एडिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और साथ ही में आपको वेदर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, कैमरा शटर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इस एप्लीकेशन के साथ ही सिंपली वर्क करता है, जो आपके स्मार्ट वॉच उसको आप शेक करेंगे या टैप करेंगे इस एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी, इस तरीके से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कैमरा शटर का ऑप्शन। और साथ ही में इसमें आपको मिलने वाला है स्पोर्ट्स डिटेक्शन का ऑप्शन, जो मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं, 100+ स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो 10 स्पोर्ट्स मोड्स हैं उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी ऐड करने हैं, तो इस तरीके से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है 100+ एप्लीकेशन पार्ट से आप रिमूव और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ही। और यहाँ पर आपको डिवाइस टाइम सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए, 24 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए, तो मल्टीपल आपको फीचर्स मिलने वाले हैं इस एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के। आपने कर ली होगी एक एक टेस्टिंग इस स्मार्ट वॉच के बारे में, सारे के सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिया क्या क्या एक्जैक्टली इसमें आपको मिलने वाले हैं। और जो इसका मेन फीचर ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, अच्छे तरीके से वर्क करता है, सामने वाले भी आराम से मुझे सुन पा रहा था, ऐसे कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रही थी, और मैं भी सामने वाले को एडिकेट लाउडनेस के द्वारा बिल्कुल सुन पा रहा था, बहुत ज्यादा लाउडनेस भी नहीं है स्पीकर पार्ट को लेकिन हाँ, अगर आप घर के अंदर बैठते हैं, घर के आसपास भी है, मतलब बालकनी में है, टेरिस में घूम फिर के बातें करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। आउटडोर कंडीशन में अगर आप कॉलिंग करते हैं ट्रैफिक कंडीशन में दिक्कत फेस हो सकती है, इंडोर कंडीशन में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है स्मार्ट वॉच के थ्रू। और
स्टेप काउंटिंग वाली एक एक्यूरेसी है आपको यार, हमेशा बोल सकते हैं हल्की फुल्की कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिलती ही मिलती है। 100 स्टेप चलेंगे तो लगभग आप बोल सकते हैं इसमें आपको 98-97 के आसपास स्टेप दिखा सकती है, लेकिन हाथों में आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइटली स्मार्ट वॉच को पहनिएगा, काफी आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी सेंसर स्पार्ट को लेकर। हाँ, जो ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट है और जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर है उसमें आपको काफी तक एक्यूरेसी मिलने वाली है, कैजुअल रीडिंग के लिए इसका ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे इसकी बैटरी लाइफ की, मैंने इसको बिल्कुल बोल सकते हैं 3 दिन से मैं इसको अच्छे से यूज कर रहा हूं, मैंने इसका एडिकेट यूसेज किया हुआ है, बहुत ज्यादा हैवी यूसेज नहीं किया हुआ है, और यहां पर आप बोल सकते हैं अभी बैटरी लाइफ बची हुई है मेरी 65%। तो इसका अगर आप एडिकेट यूसेज करते हैं, थोड़ी बहुत ब्लूटूथ कॉलिंग करते हैं, अगर आप इसका एडिकेट तरीके से यूसेज करेंगे तो 5 से 6 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। हैवी यूसेज करेंगे बिल्कुल ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करते हैं, 2 से 2.5 दिन के आसपास आप बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू। नॉर्मल यूसेज करेंगे बहुत ज्यादा बिल्कुल बोलते हैं ना कि हैवी यूसेज नहीं करेंगे, नॉर्मली स्मार्ट वॉच को कैजुअल यूसेज करेंगे 6 से 7 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा, एडिकेट आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है ब्लूटूथ कॉलिंग के हिसाब से। बाकी इसमें आपको क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन प्लस पॉइंट दी गई है, कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, फीचर्स काफी इंप्रेसिव दिए गए हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से। मेनली आपको एक राउंड डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच चाहिए ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर के साथ, प्राइस पॉइंट जस्टिफाई करता है मेरे हिसाब से, ये थम्स अप है, इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड नॉइस फिट ट्विस्ट स्मार्ट वॉच। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.